अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फलाफल। ये क्रिस्पी क्रंची और एक सेवरी स्नैक्स है जिसको हर कोई पसंद करता है। एंड फ्रेंड्स, जो ये फलाफल होता है ना, ये मिडिल ईस्ट का एक स्ट्रीट फूड है, बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें, लेट्स गेट आउट द चेक आउट द रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए वाइट चिकपी है, इसको मैंने एक कप मैंने चिकपी लिया है, इसको मैंने ओवरनाइट सो करके रख दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से और इसका जो वाटर है उसको मैंने ड्रेन ऑफ कर दिया। तो अब मैं इनको एक ग्राइंडर में ऐड करूँगी। इसमें आपको वाटर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, तो आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। उसमें साथ में मेरे पास है फिस्ट फुल कोरिएंडर, एक मुट्ठी भर के मैंने हरी धनिया ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, एक अनियन है और 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको मैं कोर्सली ग्राइंड करूंगी, मीन्स आपको दरदरा पीसना है। बट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा था, दैट्स वाई मैं पहले इसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है एंड देन मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें कुछ ड्राइड इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूंगी। एंड फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड कर लेनी है और ऐड करने के बाद आपको विदाउट वाटर, इसमें वाटर ऐड नहीं करना है, आपको इसको दरदरा पीस लेना है। तो चलें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या ऐड करने वाली हूँ। इसमें मैं सेसमे सीड्स 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसे कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी विदाउट वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको दरदरा पीस लिया है, इसमें वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं है। अब आप इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम और ऐड करेंगे। इसको आप अच्छे से इस तरह से इसमें निकाल लें। तो ये फलाफल होता है फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही क्रिस्पी होती है और ये सऊदी का एक फेमस स्ट्रीट फूड है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलें, अब मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी। जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप ज़रूर ऐड करिएगा, और 1/4 कप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। बेसन जो हो रहा है मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि वो बाइंडिंग के काम आता है, तो बेसन आपको ज़रूर ऐड करना है। और ये सारी चीज़ें ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो ये जो हमारा ये बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसको 30 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। अगर ठंडी है तो आप बाहर रख दें, अगर अदरवाइज़ अगर गर्मी है समर है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। 30 मिनट के लिए आपको इसे छोड़ना है, आधे घंटे के लिए। तो चलें, यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ। आफ्टर 1/2 आवर यहाँ पर देखें, मैंने इसको निकाला और ये हमारा जो रेडी हो चुका है। तब मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन लूँगी। अपने हैंड्स को वेट कर लीजिए पाम को, जिससे आपके हैंड में स्टिक नहीं हो, और थोड़ा सा आप इसको पोर्शन लेकर के इसके बॉल साइज़ इस तरह से आप इसको रेडी कर लीजिए और रेडी कर लीजिए। इसी तरह से मैंने सारे यहाँ पर फलाफल रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें इतने फलाफल रेडी हुए हैं। तो एक साइड पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल को हीट कर लिया है। जब ऑयल हीट हो गया तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया और लो करने के बाद मैं ये फलाफल को मैंने इसमें स्लाइड कर दिया। तो 1 टाइम पे जितने इसमें फलाफल आ सके आप उतने ही ऐड करिएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऑयल को इसके ऊपर इस तरह से करके इसको फ्राई कर लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रह जाए। आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, थोड़ा सा मीडियम रखिएगा फ्लेम, जिससे ये आपके जो फलाफल होंगे वो कच्चे नहीं रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने हाई फ्लेम पे किया तो ये आउटर लेयर इनकी तो क्रिस्पी हो जाएगी, बट जो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें, एक प्यारा सा कलर जब आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारे फलाफल रेडी हो गए। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इनको डिप के साथ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो खट्टी चटनी के साथ भी कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।